कोशिश यही है कि पाकिस्तान की खूबसूरती आपको दिखाया जाए। क्योंकि मैंने खुद यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारे मैंने बोर्डिंग की है नॉर्दर्न एरिया से, वहाँ पे लोग इतना उसके बारे में इतनी बात नहीं करते, हालांकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा ना प्यारी और खूबसूरत जगह हैं जिनको ये झील के लिए पैदल रास्ता है, थोड़ा 10-15 मिनट तो वो आपने तय करना है। अब हम यहाँ झील पहुँच गए हैं। झील जाने का रास्ता ये कचूरा झील हम पहुंच गए जी। तो कचूरा झील आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि कचूरा में बोर्डिंग भी है और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, तो काफ़ी रश लगा हुआ है। वे आपको दिखाऊं करीब से, आप देख सकते हैं कैसा लगा आपको ये झील? जी बिल्कुल, मैं इधर आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके, और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारा कचूरा लेक है, जो कि कहते हैं यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में आई थिंक सबसे बड़ी लेक है, जो कि नेचुरल है और कहते हैं ये 1.5 किलोमीटर तक फैल जाती है गर्मियों के सीज़न में, और इधर लोग बोटिंग कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो हम बोट में बैठ गए और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं ये किनारा, अगर आप देखें तो किनारे को हम छोड़ रहे हैं, बहुत ही बोट पर बैठे हैं, शानदार नज़ारा है। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है कि क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे, अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बोर्डिंग हो रही है, और कोशिश यही है कि पाकिस्तान की खूबसूरती आपको दिखाया जाए। इस जगह को कचूरा, अपर कचूरा झील कहते हैं, और यहाँ पर बोर्डिंग की जाती है, मुख्तलिफ राइड यहाँ पर मौजूद है, आपको बेहतरीन तरीके से, और इनकी जो रेट्स है वो भी रिजनेबल है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा सा मंजर इनको अगर आप दिखाएं तो मुख्तलिफ
बोट जो है ना इस वक्त इस झील में मौजूद है। और इन दिनों में जो कि गर्मी है डाउन डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर मौसम इंतहाई मतलब शानदार है, सुहाना मौसम है। अगर आप देखें धूप है, लेकिन धूप में वो ताकत नहीं है कि वो मतलब आप जो है ना इसमें से मुतासिर हो। क्योंकि मैंने खुद यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारे मैंने बोटिंग की है, लेकिन इसका अपना ही मज़ा है। यकीन माने अपने मुल्क का खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है। और इस हवाले से जितने भी सयाह है मुझे सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर अपर कचूरा झील का विजिट करें। यहाँ के मुकामी लोग इंतहाई मेहमान नवाज और आपके साथ जो है ना फ्रेंडली आपके साथ ताउन करेंगे, आपके साथ मतलब हर किस्म के वो सहूलत फराहम करेंगे। तो साथ रहें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्रिस्टल ब्लू पानी, चारों तरफ पहाड़, झील की बिल्कुल चारों तरफ हमने चक्कर लगा लिया है। बहुत ही ज्यादा शानदार नजारे सामने, अगर आप देखें तो आप किनारे पे हम पहुंच रहे हैं। और अभी मतलब चूंकि मैंने आपको कहा कि मैंने यूरोप अमेरिका में बोटिंग की है, लेकिन अपने मुल्क का अपना ही मज़ा है, अपने लोगों के साथ तो बेहतरीन है। मैंने कोशिश की आपको ये ट्रिप अच्छा लगा होगा। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन रहा, झील का नज़ारा भी शानदार था, किनारे जितने आप अंदर जाते हैं गहराई नीलगो पानी, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें जो पानी का जो अपना कलर है वो निकल आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा। मेरा नाम अब्बास अली है एंड मैं इस्लामाबाद से आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। हमारा 18 लोगों का ग्रुप है। अभी यहाँ पे हम आए हैं, हम कोस्टर पे थे, हमने अपनी गाड़ी पीछे लगाई। बड़े मज़े की इनकी हाइक है, डाउनहिल बड़ी इनकी मज़े की हाइक है। आपको बड़ा नेचुरल लैंडस्केप नजर आएगा। हम इधर आए हैं एट फर्स्ट साइट, बड़ा प्यारा लेक है माशाल्लाह, आप सीनरी भी देख सकते हैं, ग्रीन वाटर, पीछे बड़े बड़े पहाड़। अभी हमारी अगली बारी है बोटिंग की, तो इंशाल्लाह बोटिंग करेंगे। एंड लोगों के एक्सपीरियंस से यही लग रहा है कि माशाल्लाह बड़ा फैंटास्टिक जॉब। और इसी तरह फिर पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ेगा, और जब टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे मुल्क पे जो ये भी क़यामत सी आई हुई है, इंशाल्लाह ताला ये भी एक दिन हो जाएगी। जी आप कहाँ से आए, नाम क्या है आपका, और आपको झील के हवाले से बताएं। जी मैं इस्लामाबाद से आई थी, हम लोगों को कुछ अर्सा अभी 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। और पहले तो मैं कहना चाहूँगी बहुत फैमिली फ्रेंडली एरिया, मतलब हम लोग आराम से यहाँ पे इतना प्यारा नज़ारा वगैरह यहाँ से नीचे होके आए हैं। और यहाँ पे साथ वाटरफॉल भी थी और स्ट्रीम्स वगैरह भी थी, और अब यहाँ पे हम सब बोटिंग फैमिली के साथ, मतलब बहुत आप यहाँ पे अपने पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं। और मतलब कि मुझे ये होता है कि हमारी जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग इतना उसके बारे में इतनी बात नहीं करते, हालांकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा ना प्यारी और खूबसूरत जगह हैं जिनको जिनके बारे में हमें और बात करनी चाहिए इस बारे में।
यहाँ पर हमारे साथ एक मुकामी ऑर्गेनाइजर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ सयाहों के लिए ये क्या क्या सहूलियात दे सकते हैं, किस किस्म के बोर्डिंग इनके पास है। तो सर आपको वेलकम करते हैं, टाइम देने का शुक्रिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले आपको हम वेलकम करते हैं। अपर कचूरा लेक है, ठीक है, अपर कचूरा लेक सबसे बड़ी नेचुरल लेक है बल्तिस्तान में। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 किलोमीटर है, इसकी जो डेप्थ है वो इस वक्त 40 to 50 feet है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसका जो पानी है वो अंदर से निकल रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग कोई वही यहाँ पे नहीं है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि गर्मियों में अगस्त तक इसका जो फ्लो है वो अप हो जाता है, उधर ऊपर तक पहुँच जाता है, वो निशान लगे हुए, ठीक है, ठीक है। और सर्दियों में इसका जो फ्लो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, नीचे तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, आप खुद देख सकते हैं। मोटर बोट्स है, मोटर बोट्स में बहुत सारे टाइप्स है, एक हाई स्पीड मोटर बोट है, एक नॉर्मल स्पीड, एक स्पीड और एक स्लो बोट्स है, ठीक है, स्लो मोटर बोट्स है, और दूसरा पेडल वाली बोट्स एंड जेट स्कीस और बहुत सारी एक्टिविटीज आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मंजर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप देखें तो इस वक्त कचूरा, अपर कचूरा झील आप देख सकते हैं, ये इनके मुताबिक ये बिल्कुल नेचुरल झील है। इसका जो बहाव है, मतलब इसका स्पिलवे नहीं है, इनकमिंग आउट गोइंग कोई रास्ता नहीं है। सर्दियों में इसकी जो पानी का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, और गर्मियों में इसका जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। उनका कहना है कि वहाँ तक ये जो निशानात आप पत्थर पत्थर देख रहे हैं, गर्मियों में अगस्त के महीने में ये वहाँ तक चले जाते हैं। तो अगर आप देखें तो इस वक्त बोर्डिंग के लिए आप मुख्तलिफ बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखाएं तो काफ़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं, और वो यहाँ के मतलब खूबसूरत नज़ारों से, झील से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे। तो जितनी भी सयाह यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं आसानी के साथ, स्कर्दू पहुँच जाए। स्कर्दू के लिए आप इस्लामाबाद से आना चाहते हैं तो बायर भी आ सकते हैं, बायर बाय रोड भी आ सकते हैं, नारायण कागान वाली सेट, बाबूसर वाली सेट से भी आ सकते हैं, और आप बिशाम ताकोट वाली सेट से भी आ सकते हैं। तो तीन रास्ते हैं, तीनों में से आप चूज़ करें, आप यहाँ आए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों में खो जाए। यह अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी इनका है और सामने झील भी है। अच्छा, आपका नाम और ये बताएं यहाँ पर रिहाइश, खाने पीने का क्या सूरत हाल है आप लोगों का? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है सर। यहाँ खाने पीने का सर जो चीज़ ऑर्डर करे वो मिलेगा सर। अभी सर हमारे पास होटलें हैं सर, 3-4-5 होटलें हमारे यहाँ पे हैं। अच्छा, ये बिस्मिल्लाह रिजॉर्ट है सर, यहाँ पे आपको रूम शूम भी मिलेगा, कैंपिंग शैंपिंग का भी हमारे निज़ाम है सर। और यहाँ से सेव कर देते हैं, सेव हो गए, इससे बाकी बैठे लोग